नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जीएम सर आरपीएस। अपन पढ़ रहे थे क्लास टेंथ के लिए बहुपद, तो बहुपद में अपन प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को पहले पढ़ चुके हैं। उन सभी वीडियोज की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद अपन बहुपद में प्रश्नावली 3.3 के पहले सवाल को पढ़ चुके हैं, उसके बाद दूसरे सवाल के फर्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ चुके हैं। उन सभी वीडियोज की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज अपन प्रश्नावली 3.3 के दूसरे सवाल के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। अपने पास यहाँ एक समीकरण है 9x² - 3x - 2 = 0, या फिर ऐसा कह दो अपना ये एक बहुपद है, इसके अपन को ज्ञात करने हैं मूल, तो अपना समीकरण हल हो जाएगा। तो अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, इसमें जो एक्स की घात एक वाला पद लेंगे, तो x की घात एक वाला पद है -3x। अब इस -3x का क्या करना है, अब इसके दो पार्ट या फिर दो टुकड़े करने हैं। यदि उनको यदि अपन जोड़े तो वापस -3x आना चाहिए, और यदि उनको गुणा करें -3x के उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो उत्तर कितना आना चाहिए, ये जो इस बहुपद के ये साइड वाले जो पद है इनके गुणा के बराबर उत्तर आना चाहिए। तो ये है आपका +9x² और इनको यदि गुणा कर दूं मैं -2 के साथ तो अपना आंसर आ जाएगा -18x². तो -3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, यदि उनको जोड़ें तो वापस -3x, और यदि गुणा करें तो अपना आंसर आना चाहिए -18x². तो -3x के ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे -6x और +3x। आप यदि -6x और +3x को जोड़ोगे तो आएगा -3x, -6x और 3x जोड़ -3x, और यदि -6x और +3x की गुणा करोगे तो आंसर आएगा -18x². तो -3x के दो पार्ट हो गए -6x और +3x। अब वापस पहले सबसे पहले है 9x², तो 9x², उसके बाद -3x, तो -3x के दो पार्ट अपने कर लिए, वो लिख देंगे -3x की जगह लिख देंगे -6x + 3x, उसके बाद है -2, तो -2 = 0। अब क्या करना है, वही बात, पहले और दूसरे पद में कॉमन, फिर तीसरे और चौथे पद में कॉमन। तो सबसे पहले और दूसरे पद में देखो, 9 में और 6 दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, उसके बाद x इसमें भी है, x इसमें भी, यानी कॉमन हो गया 3x। अब इस 3x का भाग सबसे पहले देंगे 9x² में, तो 9x² में 3x का भाग, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और x की घात 2 में x की घात 1 का भाग, तो घातें घट जाएगी, 2 में से 1 जाकर 1, x की घात 1, यानी कि आंसर आ गया 3x। 9x² में 3x का भाग देने पर आंसर आ गया 3x। उसके बाद है -6x, तो -6x में +3x का भाग दोगे तो प्लस और माइनस माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, और x से x कट गया, यानी कि आंसर आ गया -2। तो अब तीसरे और चौथे पद में कॉमन लेना है, तो 3 का भाग इसमें जा रहा पर इसमें नहीं जा रहा, x इसमें है पर इसमें नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई कॉमन नहीं है, तो अपन कॉमन लेंगे +1 कॉमन लेंगे। अब सबसे पहले +1 का भाग +3x में जाएगा तो वापस आएगा +3x, उसके बाद +1 का भाग -2 में जाएगा तो -2 = 0। ध्यान रहे कोष्टक के अंदर चीज सेम होनी चाहिए, यहां भी 3x - 2 है तो यहां भी 3x - 2 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक तो जो अपने कोष्टक के बाद जो कॉमन आया उसका पार्ट हो जाएगा, और एक कोष्टक के अंदर वाली चीज का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहां कोष्टक के बाद 3x था और यहां था +1, तो एक तो इसका पार्ट हो गया, एक कोष्टक के अंदर वाली चीज का, तो कोष्टक के अंदर है 3x - 2 = 0। ध्यान रहे कोष्टक 2 है 3x - 2 के, अपने को एक से ही मतलब है, चाहे कोई भी लिख दो। अब यहां दो पार्ट हो गए, प्रत्येक पार्ट को 0 के बराबर रखते हुए अपन मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 3x + 1 बराबर रखेंगे 0 के, अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो 3x, 1 आपका लेफ्ट में है प्लस का, राइट में जाते हो जाएगा -1। x का मान ज्ञात करने के लिए -1 उधर है ही, इधर 3 और x का गुणा हो रहा था लेफ्ट में, 3 जब राइट में जाएगा तो भाग लग जाएगा, यानी कि x का मान आ गया -1/3।
अब इस पार्ट को भी जैसे है 3x-2 बराबर 0, तो 3x-2 आपका लेफ्ट में है माइनस का, राइट में जाते ही प्लस का हो जाएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए 2 3 इधर हो रहा था लेफ्ट में गुणा, राइट में जाते ही भाग, यानी कि x का मान आ गया 2/3। तो इस प्रकार इस समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए, -1/3 और 2/3। बाकी क्लास 10th की मैथ्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।